हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में स्वागत है। और हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने एकॉस्टिक्स चैप्टर के 10 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के। देखिए, जो चैप्टर जितना थ्योरेटिकल होता है उसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ही ज़्यादा होते हैं, और इस एकॉस्टिक्स चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि हम आज 6वां वीडियो बना रहे हैं MCQ का, और अभी भी MCQ जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 51। कौन सी तरंगें निर्वात या शून्य से संचरण नहीं कर सकती हैं? तो देखिए, निर्वात से संचरण नहीं कर सकती हैं, तो देखिए प्रकाश ये तो निर्वात से संचरण कर सकता है, ऊष्मा भी रेडिएशन है ये भी कर सकता है, ध्वनि इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड दिया है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप प्रकाश कहें या ऊष्मा कहें सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो इसलिए जो है वो ये तीनों निर्वात से संचरण कर सकती हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि ध्वनि में क्या होता है कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, और ये कंप्रेशन मतलब दबाएंगे और रेयरफेक्शन मतलब फैलाएंगे, तो कोई माध्यम होगा उसी को तो फैलाएंगे आप, तो इसलिए ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। देखिए, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया उसी को घुमा फिरा के कह दिया है, ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती है? आपको मालूम है ठोस, द्रव, गैस में चलती हैं। आपको ये भी मालूम है स्पीड सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है, ठीक है ना? तो कई सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, और निर्वात में तो ये चल ही नहीं सकती हैं, तो इसलिए मैंने फिर से वही बताया कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलती हैं, और निर्वात में तो माध्यम होता ही नहीं है, तो इसलिए निर्वात में नहीं चल सकती, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, रडार, सोनार, पुकर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजुरेखन, रडार में आप जानते हैं रेडियो वेव्स यूज होती हैं, ठीक है ना? सोनार, सोनार के अंदर जो है इसका नाम ही है साउंड नेविगेशन, यानी कि साउंड का उपयोग हो रहा है, हालांकि अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोड्यूस यूज होता है इसमें, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, तो उनकी पहचान, उनको डिटेक्ट करना, उनका रिजुरेखन करना, इन सब चीज़ों के लिए जो प्रयुक्त हो, तो ये आपका जो है वो सोनार होता है, तो इसलिए हम 53 के बी पार्ट को जो है वो टिक करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है। पराध्वनिक विमान डैश डैश नामक एक प्रभाती तरंग पैदा करते हैं, तो ए है संक्रमण तरंग, बी पराश्रव्य तरंग, सी ध्वनि बूम और अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए, ये पराध्वनिक विमान जो हैं वो कौन सी प्रगति तरंग उत्पन्न करते हैं, तो ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये इनसे एक ध्वनि बूम यानी कि सोनिक बूम निकलता है, और ये जो सोनिक बूम होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी कि ये पराश्रव्य भी होता है, तो इसलिए कहीं पर इसका ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग मिलता है, और कहीं पर इसको ध्वनि बूम भी कहते हैं, लेकिन आप जो है इसमें से अगर हम बेस्ट कहें तो ये बी पार्ट पराश्रव्य तरंगे होगा, तो इसलिए आप इसका आंसर जो है वो बी पराश्रव्य तरंग टिक करेंगे, और अगर ये कहीं ना मिले तो फिर आप ध्वनि बूम पे टिक कर सकते हैं, दोनों हों तो आप पराश्रव्य तरंगों को टिक करेंगे। मैं बता दूं ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दोनों ही मतलब ऑप्शन वैसे राइट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए, इको साउंडिंग प्रयुक्त होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इको साउंडिंग का मतलब यही है कि इकोज प्रतिध्वनि सुनी जाएगी साउंड के थ्रू और इको सुनी जाएंगी, यानी कि साउंड वेव्स भेजी जाएंगी, तो साउंड वेव्स भेजी जाएंगी और वो परावर्तित होकर के आएंगी, तो उसकी इको सुन करके हम डिस्टेंस पता करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो साउंड का यूज़ आप जानते हैं सोनार में यूज होता है, और सोनार हमेशा जो है पानी वगैरह के लिए यूज़ करा जाता है, तो इसलिए इसमें जो देखिए सी ऑप्शन है समुद्र की गहराई नापने में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, तो क्योंकि समुद्र के पानी में जो है वो पराश्रव्य तरंगे ही भेजी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को जो है वो टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए, एकॉस्टिक्स विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित और धातु से संबंधित। देखिए, एकॉस्टिक को हिंदी में नहीं कहा है उन्होंने, क्योंकि अगर हिंदी में नाम इसका ले लेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि इसको हिंदी में ध्वनिकी कहते हैं, तो ध्वनिकी से तुरंत समझ जाएंगे ध्वनि से संबंधित है,
ठीक है ना। तो एकॉस्टिक्स विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है, आप इसे ध्यान रखेंगे, बी पार्ट इसका जो है वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मतलब कौन सी आवाज़ मनुष्यों के लिए सबसे सही है, 60 dB, 90 dB, 120 dB, 100 dB। तो देखिए 90 और 120 तो बहुत सारा शोर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो ए है 60 dB वो सही माना जाएगा। तो नॉर्मल साउंड्स जो हैं मनुष्यों के लिए जो हैं वो इतने साउंड अगर सुने 60 dB की तो वो सही रहती है। अगला क्वेश्चन 58 है, देखिए निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए, निमग्न मतलब जल के अंदर जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण को कहते हैं रडार, सोनार, क्वासर और स्पंदक। तो आप देखिए निमग्न यानी कि पानी में डूबे हैं तो उसके अंदर कौन सी पराश्रव्य तरंगें ही चलती हैं, और इस काम के लिए आप जानते हैं कि सोनार को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि रडार में तो रेडियो वेव्स हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे और उसे टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, ये मैंने इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपने शायद ही इससे पहले सुना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कर लिख के बताइएगा कि ये आपने पहले सुना था क्वेश्चन या नहीं। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुँह खोलता है जिससे कि, मतलब जैसे ही बादल गरजते हैं कई लोग अपना मुँह खोल देते हैं कि हाँ ऐसे करके आवाज़ निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, ये क्यों करता है आदमी, क्या इसके पीछे कोई साइंस है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डर को दूर कर सके, बी दो है दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दबाव को बराबर करने के लिए, और अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके तीसरा ऑप्शन, और मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुंह खोलने से क्या होता है, वायु का दबाव जो है वो जो बादल गरजे हैं उससे जो आवाज़ आई है वो दोनों कानों पे बराबर बराबर पहुंचे, इसके लिए जो है वो मुंह आदमी खोल लेता है, इससे क्या होता है कि साउंड जो है वो दोनों कानों में समान रूप से पहुँचती है। मान लिया आप इस पोजिशन में बैठे हैं कि आपका राइट ईयर आवाज़ की तरफ है और लेफ्ट ईयर नहीं है, तो राइट ईयर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो मुंह खोलने से क्या होता है वो दबाव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, बढ़ जाता है दोनों कानों पे, तो इसलिए हमारे कानों पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है किसी वजह से। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो हम उसको करेक्ट करेंगे। बाकी देखिए ए ऑप्शन डर को दूर कर सके तो ये तो नहीं सही है, ध्वनि अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, बहुत ही तेज पहले ही साउंड आ रही है तो और ज़्यादा क्यों प्राप्त करेंगे। डी पार्ट है मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए, मुंह में हवा घुसेगी कहाँ से जो बाहर उसको निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, बी ही ऑप्शन जो है वो सही बचता है। देखिए अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता नापी जाती है, मो, हेनरी, लक्स, डेसिबल। तो देखिए संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता चाहे किसी भी की भी ध्वनि तीव्रता हो, हमने पढ़ा है कि वो डेसिबल में ही नापी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि संगीत यंत्र इसलिए कहा उसने कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इसके लिए कोई स्पेशल यूनिट बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्वनि की तीव्रता जो है वो हमेशा डेसिबल में ही नापी जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस और देख लिए हैं, और एकॉस्टिक्स में अब हम टोटल 60 क्वेश्चंस देख चुके हैं, मुझे लगता है इतने सफिशियंट होंगे क्वेश्चंस आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हों वो आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।